अमित साहब स्वागत है आपका न्यूज 18 की बस में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि अब बिल्कुल आखिरी चरम पर है जो लोकसभा चुनाव का प्रचार है, तो किस तरह का माहौल आपको दिखना है? देखिए, ये तो एक तरफा लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ अभी किसी नेता का तय ही नहीं हुआ। वो तो टुकड़े हैं, 27-28 इकट्ठे हुए हुए, उनका कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कोई उनका लीडर नहीं है। वो तो बिना इंजन की गाड़ी है, जहां खड़ी है वहीं खड़ी है। लोगों ने फंसना थोड़ा, लोग तो नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ट्रेन बुलेट ट्रेन जा रही है। बिस्तर कल राहुल गांधी आए थे पंचकुला के अंदर, और उनका कहना है कि अभी जो स्थान है उन पर 90% जो लोग हैं उनका कब्जा नहीं है, केवल 10% लोगों का कब्जा है। दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, वो 90% के अंदर आते हैं और वो सारे के सारे अभी महरूम हैं। तो ये जागृति इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुई है, उससे पहले नहीं थी। 50 साल तक तो इन्होंने बिल्कुल राज किया, अकेला राज किया, मेजोरिटी का राज किया। तुम्हारे ही डाले हुए तो सारे स्यापे हैं जो हम ठीक कर रहे हैं, तुम्हारे ही जो बेड़ा गर्क किया हुआ है उसी को 10 साल में बहुत हद तक ठीक किया, अब आगे और करेंगे। वो लगातार जब अपना भाषण दे रहे थे तो उनके मुंह से निकल जा रहा था हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान को फिर वो माफी मांगते थे कि हिंदुस्तान नहीं भारत। कैसे देखते हैं आप इसको कि वो हिंदुस्तान शब्द कहने से परहेज कर रहे थे? देखिए, ये जो सेकुलरवाद है, सदम सेकुलरवाद कि है कुछ और दिखाते कुछ और है, आखिरी में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव मैंने जैसे पहले भी कहा कि आखिरी चरम पर आ गया है और 10 जो लोकसभा हैं, लेकिन जो हमने भी पूरे हरियाणा के अंदर घूम के देखा कि कांग्रेस से काफी कंटेस्ट दिख रहा है आपकी बार, मुश्किल मानते हैं थोड़ा बहुत चुनाव? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस तो कंटेस्ट में है ही नहीं, हम तो फील्ड में कहीं कंपेन में है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे, और उनके पास कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। आप मुझे बताओ ना, चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों के ऊपर, अब मैनिफेस्टो खाली कांग्रेस ने जारी किया, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पिछली बार इनके 40 MP जीते थे, इस बार तो 40 भी नहीं जीतने, 30 आएंगे। क्या 30 MP वाली पार्टी लोकसभा में अपना मैनिफेस्टो पास करवा सकती है? तो इसलिए झूठी सच्ची घोषणाएं उसमें शामिल करते जा रहे हैं, उनको पता है ना नोमल तेरों ने ना राधा ने नाचना। रोहतक में एक वीडियो वायरल हुआ कि वहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में जाएं, एक फॉर्म भरें, जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे 8500 रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ढोंग कांग्रेस पहले दिन से करती आ रही है, और ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के ढोंग से मुक्ति का भी चुनाव है। ये राहुल गांधी जैसे पहले यूपी से अमेठी से भागा और वायनाड चला गया, फिर वायनाड में खतरा हुआ रायबरेली में आ गया, अब हम इससे पूछते हैं, ये हमारी भविष्यवाणी करता सब जगह पे कि एनडीए गठबंधन की इतनी सीटें आएंगी, मैंने हमारी छोड़, हमारी तो हम खुद निपट लेंगे, तू अपनी बता कि तू रायबरेली से जीतेगा या वायनाड से जीतेगा, और अगर दोनों से जीतेगा तो कौन सी छोड़ेगा, वायनाड छोड़ेगा या रायबरेली छोड़ेगा, अपना बताया ना। वहां के मतदाता जानना चाहते हैं कि ये जीत के हमारे पास रहेगा भी या नहीं रहेगा, तो अपना बताता नहीं है, औरों के बताता है। जैसे आप इसने जोशी का भी काम कर लिया, कभी ट्रक चलाने लग जाता है, कभी खेतों में जाके धनिया लगाने लग जाता है, कभी चंडीगढ़ में जाके मोटरसाइकिलें ठीक करने लग जाता है, तो कुल मिला के ये लगता है उनको पता है कि जैसे पहले अमेठी से भागे, फिर वायनाड से भागे, अब राय बरेली से भागेंगे, और इस नतीजे के बाद राहुल गांधी हिंदुस्तान से भागेंगे। बिचार, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं विधानसभा की लड़ाई है, दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं, वो अभी खुद राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि विधानसभा की लड़ाई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप मुझे बताइए, ये महाज्ञानी लोग हैं, बड़े हुए लोग हैं, तो ये जो चुनाव हो रहा है ये लोकसभा का हो रहा है या विधानसभा का हो रहा है? लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोग उसी के लिए वोट डाल रहे हैं। लोग केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं।
धारा 370 हो या तीन तलाक हो या राम मंदिर हो, ये सभी जो हैं वो मुद्दे कहलाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब मुद्दे थे और मुद्दे बनकर के रह गए थे, उनको नरेंद्र मोदी ने सोल्व किया है। वहीं अनिल विज ने भी अपनी बात बेबाकी से रखी है और कहा है कि राहुल गांधी को 60 साल तक इन चीजों की याद क्यों नहीं आई जिन चीजों की बात वो आज कहते हैं। कैमरामैन अजय के साथ और सहयोगी कृष्ण बाली के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18, अम्बाला कैंट।